अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE के अंदर मैक्सिको में पेपर व्यू को लेकर कोडी रोड्स ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। WWE में जे उसो के करंट बुकिंग को लेकर रिकीसी यहां पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। CM Punk समर स्लैम पर एग्जैक्टली किसको फेस करेंगे, इसको लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही गए। तो गाइस वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे WWE के मैक्सिको में पॉसिबल पेपर व्यू की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, WWE कंपनी इस हफ्ते मैक्सिको के अंदर उनके दो मेजर लाइव इवेंट कर रही गए, और जहां पर WWE के इन दोनों लाइव इवेंट के ऊपर WWE के शो के ऊपर करीबन 25,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जहां पर WWE के मैक्सिको सिटी में पहले दिन के लाइव इवेंट के ऊपर करीबन 15,000 से 17,000 लोग शो पर मौजूद थे, तो वहीं दूसरे दिन के लाइव इवेंट के ऊपर भी करीबन यहां पर 9,000 से 10,000 लोग मौजूद थे। और दो दिन WWE के ब्लॉकबस्टर लाइव इवेंट के बाद अब इन्हीं लाइव इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स ने पॉसिबली WWE के मैक्सिको में पे पर व्यू को टीज कर दिया है, जहां पर कोडी रोड्स लाइव इवेंट पर उनका प्रोमो कट करके ये बोलते गए कि जिस तरीके से WWE के एक नॉर्मल लाइव इवेंट के ऊपर मैक्सिकन क्राउड ने WWE को लेकर इतना प्यार दिखाया है, उस चीज को देखने के बाद कोडी रोड्स ये बिलीव करते गए कि मैक्सिको यहां पर WWE का पे पर व्यू डिजर्व करता है, और अगर यहां पर लाइव इवेंट पर WWE का शो सोल्ड आउट हो सकता है, तो गाइस यहां पर कोडी रोड्स को मैक्सिकन फैंस पर इतना तो विश्वास है कि WWE मैक्सिको के अंदर पे पर व्यू करती गए तो वो पे पर व्यू भी पूरी तरह से सोल्ड आउट होगा। और यहीं कोडी रोड्स के इसी प्रोमो के अंदर वो यहां पर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को लेकर भी बात करते गए, जहां पर कोडी लाइव शो के ऊपर ये बोलते गए कि कोडी रोड्स का अगर इस प्रोमो को ट्रिपल एच देख रहे गए तो गाइस ट्रिपल एच को मैक्सिको में पे पर व्यू जरूर करना चाहिए। और कुछ इस तरीके से कोडी ने ये टीज कर दिया है कि वो मैक्सिको में WWE का पे पर व्यू देखना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE मैक्सिको के अंदर उनका पे पर व्यू करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में जॉन सीना के रिटायरमेंट की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना नेक्स्ट ईयर WWE से रिटायर हो रहे गए। और यहीं WWE में सीना के रिटायरमेंट के अनाउंस होने के बाद अब जॉन सीना के WWE में रिटायरमेंट को लेकर WWE के फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मीस का बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। गाइस यहां पर इस हफ्ते मीस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मीस यहां पर सीना के साथ पॉसिबली उनके मैच को लेकर बात करते गए, जहां पर मीस ये कहते गए कि WWE के अंदर सीना और मीस की लंबी हिस्ट्री गए, और रेसलमेनिया के ऊपर मीस एक बार सीना को हराकर WWE के वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और अब जबकि सीना रिटायर हो रहे गए तो गाइस डेफिनेटली सीना के फुल टाइम रिटायरमेंट से पहले वो एक लास्ट बार सीना को फेस करना चाहेंगे। और मीस यहां पर ये होप करते गए कि नेक्स्ट ईयर WWE के अंदर मीस को सीना को फेस करने का मौका मिले। वेल डेफिनेटली मुझे भी इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि WWE नेक्स्ट ईयर सीना और मीस का जैन जरूर करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वन ऑफ द हॉटेस्ट सुपरस्टार जे उसो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर जे उसो ब्लड लाइन से अलग हुए हैं तब से वो WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेबी फेस रेसलर बने गए, और हर जगह जे उसो को क्राउड काफी पसंद करती गए। बट गाइस इसके बावजूद भी WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू के ऊपर जे उसो मनी इन द बैंक लैडर मैच को हार गए, और वैसे तो इस चीज को लेकर काफी रूमर थी कि जे उसो इस साल के मनी इन द बैंक को जीतेंगे। बट गाइस अब जबकि जे उसो मनी इन द बैंक को हार चुके गए, तो इस हफ्ते जे उसो के फादर रिकीसी ने यहां पर उनके इंटरव्यू के अंदर जे उसो के मनी इन द बैंक के हारने को लेकर बात की गए। यहां पर रिकीसी का यह कहना है कि उन्हें भी यहां पर पर्सनली यही लग रहा था कि इस साल के मनी इन द बैंक को जे उसो जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड यहां पर जे उसो को पसंद करती गए उसके बाद यहां पर जे उसो का मनी इन द बैंक जितना पूरी तरह से बनता था। बट गाइस WWE का जे उसो को मनी इन द बैंक ना जिताना ये यहां पर WWE की एक बहुत ही बेकार बुकिंग है। और गाइस यहां पर रिकीसी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि WWE ने किस तरीके से जे उसो के मोमेंटम का फायदा नहीं उठाया और WWE ने जे उसो को मनी इन द बैंक नहीं जिताया, क्योंकि गाइस रिकीसी का ये मानना है कि ड्रू मैकइंटायर और CM Punk की स्टोरी लाइन बिना यहां पर मनी इन द बैंक के भी कंटिन्यू हो सकती थी। बट गाइस WWE अगर जे उसो को मनी इन द बैंक जिताती तो ये यहां पर WWE के लॉन्ग टर्म के अंदर काफी फायदा देता। वो आप लोग रिकीसी के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके
करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही पंक और मैकेंटाइट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑर्गुली सीएम पंक और मैकेंटाइट की राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस टाइम की बेस्ट राइवलरी है। और अब यहां पर इस राइवलरी के अंदर रिसेंटली यहां पर सेट रॉलिंस के इन्वॉल्व होने के बाद जहां पिछले कुछ हफ्तों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि समर स्लैम के ऊपर हमें यहां पर सीएम पंक वर्सेस सेट रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटाइट के बीच में ट्रिपल ट्रेट देखने को मिलेगा। वहीं एक बार फिर से अब डब्ल्यूओएन की तरफ से इस मैच को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर से डेव मेल्जर का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली एक टाइम के ऊपर सेट रॉलिंस सीएम पंक और मैकेंटाइट को लेकर बातें चल रही थी। बट गाइस अब यहां पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके ओरिजिनल प्लान की तरफ जा रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर हमें यहां पर ट्रिपल ट्रेट देखने को ना मिलकर बल्कि मैकेंटाइट वर्सेज पंक का मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस यहां पर इस मैच के अंदर 100% सेट रॉलिंस किसी ना किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होने वाले गए और या तो रॉलिंस इन दोनों के मैच में इंटरफियर करेंगे या यहां पर रॉलिंस किसी ना किसी तरीके से मैच में इन्वॉल्व होंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये मैच यहां पर सिंगल मैच होने वाला है और सीएम पंक और ड्रू मैकेंटाइट एक दूसरे को सिंगल मैच के अंदर फेस करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली समर स्लैम पर आखिर पंक का मैच किससे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके मंडे नाइट रॉ को हमें यहां पर राइट स्टेट यूनिवर्सिटी नटर सेंटर में करती हुई दिखाई देगी, जिस अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 8717 के बराबर है। यहां पर 8717 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 8600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 100 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आराम से करने वाली है। बट गाइस बात करें अगर यहां पर कल के शो के मैचेस और सेगमेंट की, तो कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ओपनिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन मामी रिया रिप्ली अपीयर होने वाली है और लास्ट वीक रिया रिप्ली के शॉकिंग रिटर्न के बाद कल यहां पर शो के ओपनिंग पर वो क्राउड को एड्रेस करेंगी, जिसके बाद की मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर सैमी जेन इल्या ड्रुगनोव के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहां पर सेमस और ब्रॉन्सन रिड के बीच में हमें यहां पर वन ऑन वन मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं ड्रू मैकेंटाइट भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहां पर पॉसिबली अपीयर होने वाले गए। बट इसके बाद फाइनली शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पर वॉर टाइटल मैच से पहले हमें यहां पर डेमियन पीस और गंथर का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। वेल आप लोग मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।